हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई समय हो रहा है 9:39। गुड मॉर्निंग भाई साहब, कर रहे हैं ऑफिस का काम। और मुझे भाई सुबह का सबसे पहला काम है कि मुझे ब्लॉग एडिट करना है, और उसके पहले पीना भाई गर्मा गर्म चाय, क्योंकि यही चाय जो है वो हमारा जनरेटर स्टार्ट करती है। ये देखो भाई साहब पी रहे हैं, मम्मी जो उधर कमरे में पी रही, तो भाई सुबह सुबह चल रही सबकी चाय पार्टी, तो फटाफट अपने काम में लग जाते हैं। भाई साहब नहा धोकर पूजा पाठ कर भाई हो गए हैं तैयार, और आज भी जा रहे हैं भाई बाहर बहुत जरूरी काम से ऑफिस के। तो मम्मी जी का भी नाश्ता पानी हो गया भाई, मैं तो खा लिया उपमा, और आज बनाए उपमा देखो, मस्त हरी मिर्ची हरा धनिया वाला शानदार उपमा, थोड़ा सा ना बहुत प्यारा उपमा बना मम्मी। हलवा सूजी जब भी याद आती मेरे मुँह से हलवा निकल जाता है। हाँ नमकीन हलवा, सही बात है। और भाई देखो भाई साहब यहाँ पे लेटे हुए टीवी पे, ठीक है, वो वाला वीडियो चल रहा है गांव वाला, और यहाँ नाश्ता कर आराम कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ से सीधे दिखेगा कि आराम करते, बहुत बढ़िया शानदार, पहले दिख रहा है भाई कि वो आराम करें क्यों। हाँ, हाँ। तो भाई साहब जा रहे हैं बाहर, भैया बैग में हमने पानी वानी सब रख दिया है, ठीक है, तो इनसे मुलाकात होगी भैया शाम को, क्योंकि इनको बहुत बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं ये। तो भैया बाय बाय। आज कारपोरेशन का भाई तेज नल चलते देखकर मुझे लालच आ गया, मैंने बोला यार एक वॉशिंग मशीन भर के कपड़े रखे हैं उसको धो लिया जाए। मस्त मैंने एक बार शिफ्ट डाला, कपड़े आधा घंटा धुल के निकले, उसके बाद भाई नल ही बंद हो गया। मैंने अरे ये क्या हो गया यार, अभी तो इतना तेज चल रहा था, फिर भाई सब कुछ कर लिया नल आए नहीं। फिर मैंने एक घान और कपड़ा डाला, मस्त धोता रहा, और फिर हैंडपम्प से भाई चला चला के पूरे कपड़े निचोड़े, हाथ और कमर की बज गई भाई बैंड, इतने सारे कपड़े धोने पड़े भाई, क्योंकि पूरे एक हफ्ते के कपड़े गंदे हो गए थे। शर्ट गंदी हो गई थी, हाफ शर्ट गंदी हो गई थी, जीन्स गंदे हो गए थे, हाफ पैंट गंदे हो गए थे, छड्डा गंदे हो गए थे, भाई सब बारी 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 धोता गया, और चापा कल से भाई चला चला के पूरे कपड़े निचोड़े हैं, सूखा का डाले छत पर, उसके बाद मस्त ठंडे पानी से नहा धोकर भाई हो गया हूँ मैं अब फुर्सत, और हो गया दोपहर से भी ज़्यादा समय, पूरा हाथ और भाई कमर ना बैंड हो गई भाई। आज तो तेज नल चलते लालच में ना बहुत बुरी तरह से फंस गया भाई। आप कारपोरेशन के नल पर विश्वास करना बिल्कुल रह ही नहीं जाए भाई, 1% भी विश्वास नहीं कर सकते कि कितनी देर चलेगा भाई। कमर की तो ऐसी तैसी हो गई, और जो जिस हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा इसकी तो कोहनी में इतना दर्द हो रहा भाई, बहुत गजब के काम हुए हैं, पर सब टेंशन फ्री, और मस्त गरम गरम हवा चल रही है, और मौसम बड़ा शानदार लग रहा है। हो गया है लंच का समय, और भाई आज लंच करने में काफ़ी लेट हो चुके हैं, और गर्मा गर्म थाली मेरे हाथ में है, बनी थी भाई आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी, तो मैंने चावल मिक्स कर लिया है, और थोड़ा सा आंवले का अचार लिया है, और भूख लगी है बहुत जोर के, तो फटाफट चलते हैं और लंच फिनिश करते हैं। भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए, और जैसा बोले थे कि शाम को आएंगे 5:30-6 बजे, और वैसे टाइम पे देखो ये प्रकट हो गए हैं। आ जाओ भैया आराम से, हो गया काम सब, हो गया भाई हो गया। हालांकि मैं 2 घंटा पहले फ्री हो गया था, परंतु एक भैया का फोन आ गया था यहीं पर शहर में, उनसे मिलने के चक्कर में 2 घंटा यार उनके साथ बर्बाद हो गया, मतलब बर्बाद नहीं कह सकता, मीटिंग करने में लग गया समय। अच्छा तो मैं सही समय पे घर आया ना, बिल्कुल सही समय पे घर आ गए, बोला तो जा गया ना, आ गए आ गए, ठीक है। मैं बैठ के भाई ब्लॉग एडिट कर रहा था, अब जाकर ब्लॉग एडिट हो चुका है पूरा, मैंने उसको सेव में डाल दिया है, और मस्त मुंह हाथ धोकर हो गया हूँ फुर्सत, क्योंकि हल्की हल्की सी नींद सी आ रही थी, और आके भाई चाय बैठा दी, क्योंकि भाई साहब बोल रहे जल्दी से गर्मा गर्म चाय दो। तो ये देखो भाई आज चाय का कलर और मेरा कलर एक जैसा लग रहा है ना, मैं भी आज काला काला सा लग रहा हूँ, चाय भी काली काली सी लग रही है, पर चाय में दूध है भाई, चाय पत्ती हैवी है मस्त, और अदरक अदरक डाले है, इलायची इलायची कूट के डाले, और चाय ओंट रही थी इसको धीरे कर दिए, नहीं तो क्या है ना बातचीत में गंजी में से चाय उबल जाएगी तो किसी के हत्थे नहीं लगेगी, सिर्फ नीचे बगड़ जाएगी, इसलिए इसको धीरे कर दिए है। अभी 5 मिनट इसको खौलाना है, उसके बाद मैं भी पीता हूँ, सबको देते भाई शाम की कड़क चाय, इसकी ज्यादा जरूरत है। मैं बैठ के मोबाइल में बहुत जरूरी काम कर रहा था भाई साहब, मस्त निकल गए छत पे वॉक करने के लिए, और ऊपर से फोन करके बोलते हैं मौसम बहुत शानदार हो गया भाई, आजा सब काम वाम छोड़ के वॉक करते मस्त 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे की। मैंने बोला रुक जा काम निपटा लेता हूँ, काम निपट गया भाई, बाहर आके देखता हूँ मस्त मौसम है, मैं भी चलता हूँ छत पर भाई, दोनों भाई मस्त 1 घंटे 1.5 घंटे की वॉक करेंगे, और वॉक करना भी बहुत जरूरी भाई, मेरा पिटो टमी है ना वो ड्रम होते जा रही है, तो वॉक करेंगे तो मस्त एनर्जेटिक बॉडी हो जाएगी, और वॉक करना भी भाई बहुत
जरूरी होता है शाम के समय में, चलो फटाफट चलते हैं, चप्पल पहन ले क्योंकि छत पर धूल होगी, तो वॉक करते हैं। ये देखो भाई साहब को 20 मिनट हो गए वॉक करते हुए, भैया बॉडी में थोड़ी फुर्ती आई क्या? हाँ थोड़ी गर्मी तो आ गई, और झंडे भी ऐसे ऐसे हिलने लगे, मतलब हवा भी चल रही है, पहले भी ठंडा मौसम है और चिल मिला नहीं रहा भाई गर्मी में, ठंडा ठंडा है, पर टी शर्ट में बड़ा अच्छा कम्फर्ट लग रहा है। तो एक घंटा वॉक करते हैं उसके बाद मुलाकात करते हैं, थोड़ी मेहनत करना भी भाई जरूरी है शरीर के लिए, बहुत जरूरी है। हो गया है डिनर का टाइम और गर्मा गर्म थाली भाई मेरे हाथ में है, बनी थी भाई दाल, तो दाल चावल दोनों को मैंने एक में मिक्स कर लिया है, नारियल मूंगफली की चटनी है और आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी है, और भूख लगी है बहुत जोर के, तो फटाफट चलते हैं और डिनर फिनिश करते हैं। हे गाइस, हो गई है बहुत रात, व्लॉग की करते यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग तो अच्छा लगा होगा, तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते कल एक नए व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।